लक्ष्मण का पात्र निभा रहे युवक पर अराजक तत्वों ने फेंका पटाखा। एतमादपुर क्षेत्र में रामलीला मंचन के दौरान अराजक तत्वों द्वारा लक्ष्मण का किरदार निभा रहे युवक पर पटाखा फेंका गया, जिसके चलते युवक घायल हो गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए स्थानीय पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। एतमादपुर कस्बा क्षेत्र में रामलीला मंचन के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि रामलीला मंचन के दौरान लक्ष्मण का किरदार कर रहे युवक पर किसी अराजक तत्व द्वारा पटाखा फेंका गया था, जिसके चलते युवक घायल हो गया था। इस पूरी घटना को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे आयोजन के दौरान पुलिस किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, जिसके चलते अराजक तत्व इस तरह की घटना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्यवाही की मांग की है। 11 अक्टूबर 2024 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ट्वीट किया गया है, जिसमें राम लीला के दौरान लक्ष्मण जी की भूमिका निभाने वाले पात्र के जलने और बम फोड़ने की सूचना वायरल हो रही है, जिसमें सच्चाई यह है कि एतमादपुर कस्बे में रामलीला का मंचन हो रहा था, जिसमें मेघनाथ व्रत प्रसंग के दौरान कमेटी के लोगों तथा बच्चों द्वारा पटाखे जलाए जा रहे थे। इसी पटाखे जलाने के क्रम में एक चिंगारी जो लक्ष्मण जी की भूमिका निभा रहे थे पात्र, उनके दुपट्टे पर पड़ा, जिससे दुपट्टा हल्का जला है और किसी प्रकार के जलने की या अन्य किसी प्रकार के विस्फोट की कोई घटना नहीं हुई है। रामलीला का मंचन भी समाप्त हो चुका है, सब सर्व संपन्न हो गया है, किसी प्रकार की कोई भी प्रतिकूल स्थिति नहीं है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।